तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पे मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ, और पीछे देखो भाई शरबत निकाल रहा है कैरी का, कच्ची कैरी का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़े दिनों से बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कर लेते हैं, और थोड़ा वीडियो शूट करने जा रहा है टेरेस पर, क्योंकि अच्छा माहौल है बाहर, एटमोसफेयर भी बहुत अच्छा है, तो वीडियो शूट करेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा और उस बहाने व्लॉग भी हो जाएगा मेरा। तो मिलते हैं बाद में। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, फेसबुक पे जाकर फॉलो कर दो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और दूसरे वीडियोस की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और हमारी एम कंपनी के चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पर भी उस पेज को फॉलो कर दो, और खूब सारा प्यार दिखाओ, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मेरे ब्लॉग्स कैसे होते हैं, कैसे आपको कैसा लगता है मेरे ब्लॉग्स के अंदर। तो प्लीज़ आई होप कि आपको ब्लॉग मेरा पसंद आए, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मेरे ब्लॉग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो फाइनली वीडियो शूट हो चुका है, और बहुत ही गर्मी लग रही थी इसलिए हम वापस आ गए नीचे। बहुत गर्मी लग रही थी गाइस, तो नीचे आ गए, देखो अभी भी पसीने हो रहे हैं, तो एक दो वीडियो शूट किए और फिर नीचे आ गए, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है, तो फिर बहुत धूप में कमजोरी लग रही थी इसलिए मैं नीचे आ गया, और फिर हम अब जाते हैं नीचे, थोड़ा काम है वो खत्म करते हैं, थोड़ा जो वीडियो एडिटिंग का काम है वो ख़त्म करते हैं, और फिर जाने वाले हैं हम हमारे फार्म हाउस में ट्रैक्टर चलाने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मिलते हैं बाद में। सामान रखने के बाद मिलते हैं, सामान रख दिया है, तो अब नीचे जा रहा है और थोड़ी चाय पियेंगे, क्योंकि हमारे बड़ौदा में चाय के बिना चलता नहीं है। क्या बोला तूने? न्यू बॉयस हो गए हैं नीचे। The next day. Hi guys, तो मैं आ चुका हूँ फार्म हाउस में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पीछे नीम का पेड़ है, इस तरफ नीम का पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे नीम के पेड़ है, तो अच्छा ठंडा सा पवन आता है और बहुत ही अच्छा लगता है खेत के अंदर। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये पीछे हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और वहाँ पे मेरी रानी खड़ी हुई है। बहुत तेज हो रहा है। बेचारी छाँव में रखा है उसको, क्योंकि बहुत तप गई थी। और इधर पीछे देखो, एक टाइम पे वावाजोड़ा आया था, तो वो झाड़ पूरा बीच में से फट गया था, पवन से ये पूरा झाड़ गिर गया था, तो यहाँ टूट गया था पूरा, तो हमने ऐसे ही रखा है क्योंकि बहुत ही हैवी है ये। और ये पीछे हमारा खेत जिसमें हम फसल करने वाले हैं, चावल की फसल करने वाले हैं, क्योंकि बारिश की सीज़न आने वाली है, तो चावल की फसल अच्छी होती है बारिश की सीज़न में हमारे साइड पे। तो और ये पीछे देखो, ये पूरा साइड आने जाने का रास्ता है। हो गाइस, बहुत ही कंटाला आता है क्योंकि अकेला अकेला मैं ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि देव भाई आया नहीं है, वो सो गए हैं घर में, तो मैं अकेला आ गया क्योंकि व्लॉग करना था इसके लिए। तो चलो हम ONGC की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे खेत में ONGC थी, वहाँ पे एक टाइम था जब ऑयल निकल रहा था, नहीं और अभी ऑयल नहीं निकल रहा, तो उन लोगों ने बंद कर दिया है, तो जाते हैं उस तरफ। और गाइस यहाँ पे खेत है इसके लिए, यहाँ पे सांप भी बहुत निकलते, लेकिन अभी नहीं निकलेंगे क्योंकि गर्मी की सीज़न आ गई है। तो मैं आपको जिसकी दिखाता हूँ बुरी कैसी है। तो देखो इधर, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ किया था, तो यहाँ से तेल निकल रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद यहाँ से पानी आने लगा, तो उन लोगों ने बंद कर दिया था ये पूरा।
जहाँ जहाँ पे ये काला काला दिख रहा है वहीं पे सब जगह पे बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पे, और उसमें से एक पत्थर उन लोगों ने बाहर निकाला था। ये देखो ये बहुत ही ऐसे ऐसे पत्थर निकलते हैं अंदर से ज़मीन के नीचे से, और ये साइड पे भी ऐसा है सब। हमारे बाजू वाले खेत में भी ऐसा ही थोड़ा था, लेकिन वहाँ पे भी निकलना बंद हो गया। तो ये हमारा पूरा फार्म हाउस है, उधर से वो कोर्ट दिख रहा है वो सब, और उधर से उस तरफ तक, और उस तरफ से पूरा इस तरफ तक, इतना फार्म हाउस है हमारा। यहाँ पे कोई रहता नहीं इसके लिए, हमारे गांव के नज़दीक में ही है और यहाँ पे कोई रहता नहीं है इसके लिए। इधर कोई घर या वैसी कोई रूम वूम है नहीं। क्या बोला तूने? और ये यहाँ पे देखो ये तार है उसके लिए, ये लाइन वाले आते हैं तो ये सब काट डालते हैं पूरा। ये पूरा नीम का पेड़ तक काट डाला था और फिर से ये हो गया। वैसे इधर भी सारे जो है वो लंबे लंबे हो ना उसके लिए काट डालते हैं उनको। और हमारे खेत में सांप की जगह मुझे पता है कि इधर है, इधर सांप रहता है। देखो ये पूरा झाड़ का इलाका उसने कवर कर रखा है। और ये मैं आपको बताता हूँ उसका घर कैसा होता है। ये देखो सांप का घर ऐसा होता है, यहाँ से वो लोग अंदर जाते हैं ज़मीन के अंदर और बाहर आते हैं निकलते हैं। अभी इस टाइम पे तो है नहीं, लेकिन कुछ टाइम झाड़ पे भी वो होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं डायरेक्ट। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक जगह है ये, इसलिए हम जाते नहीं है वहाँ पे। और ये मेरी रानी देखो बेचारी कैसे अकेली खड़ी है, मेरा बच्चा बेचारा धूप में तप गया था। और ये गाइस हमारा ट्रैक्टर है फुल ऑन फायर महिंद्रा। और मेरे दादा उधर वहाँ पे गए हैं, कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, वो देख रहे हैं ज़मीन के अंदर की कोई कचरा ना हो, कांच वाँच या ना हो, तो वो अंदर जाए तो लगे ना उन लोगों को। थोड़ा काम कर लेते हैं खेत में, तो काम करने के बाद हम मिलते हैं। जो मैं शूट कर पाऊँगा तो मैं करूँगा, क्योंकि अकेला हूँ इसलिए शूट कर नहीं पाऊँगा, तो जितना हो सके उतना मैं शूट करूँगा। और याद से आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, फेसबुक पे फॉलो कर दो, और हमारे दूसरे भी चैनल है उनको भी फॉलो कर दो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और कार्ड भी डाल दूँगा मैं इधर, तो जाओ और खूब सारा प्यार दिखाओ हमारे चैनल को। हेलो गाइस, तो बहुत ही काम कर लिया और थक गए और बहुत ही पसीना पसीना हो गया, घर पे जाके नहाना पड़ेगा, तो मैं शूट कर नहीं पाया क्योंकि काम बहुत ही था इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मेरे।